हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आप लोग देख रहे हैं कि मैं अपनी थ्रेडिंग्स आपको दिखा रही हूँ। काफ़ी हैवी थ्रेडिंग्स मुझे आई हुई हैं और मैं इनको बनाने वाली हूँ घर पर ही। इनको वैक्स करने वाली हूँ मैं बेसिकली आज, और उस वैक्स के लिए मैं लेकर आई हूँ वीट की फेशियल वैक्स स्ट्रिप्स, जिनको मेरी पिछली वीडियो में भी आपने दिखाया था कि जिससे मैंने अपने फेशियल हेयर्स को रिमूव किया था। सो आज मैं यूज़ करने वाली हूँ इन स्ट्रिप्स को अपनी आईब्रोज़ बनाने के लिए। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो इस तरीके से आप बनाइएगा अपनी आईब्रोज़ की शेप। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक पेंसिल को और उससे अपनी आईब्रोज़ को शेप दे दी है, जैसे कि आपको पता चल सकेगा कि आपकी जो आईब्रोज़ हैं उनकी परफेक्ट शेप क्या है, और जो एक्स्ट्रा बाल हैं उसको आप इन वैक्स स्ट्रिप्स के थ्रू निकाल सकते हैं। जैसे पार्लर वाली करती हैं कि आपके जो थोड़े थोड़े बड़े हेयर्स होते हैं उनको कैंची से कट कर देती हैं, आपको भी कॉम्ब करके उन हेयर्स को कट कर देना है। तो आप देख रहे हैं कि मैं कैंची से हल्के हल्के उनको कट कर रही हूँ, जिससे कि आप जब भी वैक्स करें या कुछ करें तो वो बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करें। तो यहाँ पर मैं कैंची से कट कर रही हूँ। बहुत इजी है, घर बैठे ही आप 10 मिनट में अपनी आईब्रोज़ को वैक्स कर सकते हैं और परफेक्ट शेप पा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपको शेप बनानी है। फिर आपको लेनी है फेशियल वैक्स स्ट्रिप्स और उसको बीच में से कर लेना है कट, क्योंकि पतली जो स्ट्रिप होगी उसे आसानी होती है वैक्स करने में। तो यहाँ पर मैंने इसको कट कर लिया है एंड अब इसको आपको इस तरीके से लगाना है। थोड़े थोड़े पोर्शन को लेते हुए आपको अपनी आईब्रोज़ को वैक्स करना है, ज़्यादा नहीं करना है एकदम से, थोड़े थोड़े पोर्शन को लेते हुए। और आपको देखेगा कि आपके हेयर्स एकदम से उखड़ जाएंगे जब भी आप इसको अप्लाई करेंगे। अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा वैक्स को खींचना चाहिए, वैक्स स्ट्रिप को खींचना चाहिए। तो मैंने थोड़े थोड़े पोर्शन में लेते हुए ही अपनी आईब्रोज़ को वैक्स किया है। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, पेन नहीं हुआ ज़्यादा, क्योंकि बाहर जब हम उसे थ्रेडिंग करते हैं तो पेन होता है। हाँ, फर्स्ट टाइम में आपको थोड़ी परेशानी होगी अपनी आईब्रोज़ को वैक्स करने में, शेप लाने में, बट बहुत ईजी है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास ऐसा टाइम नहीं होता है बाहर जाने का, तो हम आसानी से घर पे ही अपनी आईब्रोज़ को परफेक्ट शेप दे सकते हैं। और ये वीट की जो स्ट्रिप्स हैं काफ़ी अच्छी हैं, कोई एलर्जी नहीं हुई है। ये सेंसिटिव स्किन के लिए है बाकायदा किट, बट आपको अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ये किट्स मिल जाती हैं। अगर आप लोगों को सबसे पहले इनको यूज़ करने से पहले पैच टेस्ट ज़रूर करना है, तो जब भी आप ख़रीदें पैच टेस्ट ज़रूर करें और उसके थ्रू अपनी स्किन का पता लगाएं। तो इस तरीके से मैंने अपनी आईब्रोज़ के जो लोअर एरिया है उसको पूरी तरीके से वैक्स कर लिया है, और आप देख सकते हैं कि मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है वैक्स करने में, ना ही मुझे पेन हो रहा है। तो आपको इस तरीके से करना है, थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेना है, ज़्यादा पोर्शन नहीं लेना है। बहुत ईजी है और बहुत अच्छा है। ये जो वैक्स स्ट्रिप्स हैं इनमें पैराबेंस हैं, तो जिन लोगों को पैराबेंस से प्रॉब्लम है वो पैराबेंस मतलब इसको यूज़ ना करें। एंड इस तरीके से मैं इसको आईब्रोज़ के ऊपर के वाले एरिया के जो बाल हैं उनको रिमूव कर रही हूँ। जब भी आप इस तरीके से हेयर्स मतलब आईब्रोज़ वगैरह बनाएं तो अपने हेयर्स को थोड़ा टाइटली बांध लें, जिससे कि वो जो आपके हेयर्स हैं वो इरिटेट ना करें। तो आप देख सकते हैं कि मैं वन बाय वन अपनी आईब्रो को इस तरीके से क्लियर कर रही हूँ, और आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही स्ट्रिप से मेरे जितने भी एक आईब्रो के जो हेयर्स हैं वो क्लियर हो गए हैं। बहुत अच्छी लगी ये वैक्स स्ट्रिप्स एंड इसके साथ ही मैंने दूसरी आईब्रो को भी कर लिया था वैक्स, आप देख सकते हैं। और उसके बाद मैं अपनी फोरहेड के हेयर्स को भी इसी इन्हीं स्ट्रिप से क्लियर कर रही हूँ। तो आपको अच्छे तरीके से अपने हेयर्स को रिमूव कर देना है इनकी हेल्प से। इनके साथ तो थोड़े से वाइप्स आते हैं, दो वाइप्स आते हैं जिसके थ्रू ये जो वैक्स है एक्स्ट्रा वैक्स वो हट जाती है। तो बहुत अच्छा है, बहुत इजी तरीका है अपने हेयर्स को, फेशियल हेयर्स को घर बैठे रिमूव करने का। बहुत अच्छा लगा मुझे ये तरीका एंड आप देख सकते हैं कि मैंने अपने जो आईब्रोज़ हैं वो बहुत ईजिली बना ली हैं। तो आप लोग भी इस तरीके से अपनी आईब्रोज़ को वैक्स कर सकते हैं घर पर ही इन वैक्स स्ट्रिप्स के थ्रू। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।